आज के इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे DRN की तरफ से एक होम थिएटर जो कि काफी बजट में आ जाता है आपसे। इसमें आप सबको टोटल एक बड़ा स्पीकर के साथ साथ पांच छोटे स्पीकर देखने को मिलते हैं। और बात करके इसकी साउंड क्वालिटी की, साउंड क्वालिटी काफी कमाल का देखने को मिलता है और मैंने इसे आज ही परचेज किया है, ठीक है। तो इसका रिव्यू, फुल रिव्यू भी देखेंगे कैसा आप सबको, और आपके मन में जो भी क्वेश्चंस आप सोच रहे हैं कि कौन कौन क्या क्या चीज इसमें आप सबको फीचर देखने को मिलता है तो वो मिलेगा आप सबको इस वीडियो में। तो कृपया वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए हमारे सारे इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ इस तरह का आप सबको बॉक्स देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं काफी बड़ा है, पैकेजिंग इसमें दिया गया है, ठीक है। और आपको इसमें 18,000 वाट का मतलब स्पीकर देखने को मिलता है, मतलब कि स्पीकर काफी तगड़ा देखने को मिलता है। अगर आप एक, जैसे कि मैं अभी रूम में, जो रूम है वो मेरा छोटा ही रूम है, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे सुनते हैं होम थिएटर, आपका टीवी यहाँ पे लगा हुआ है, तो आप सबको काफी साउंड क्वालिटी जो है वो काफी कमाल धमाल बवाल मिलने वाली है, ठीक है। और आप गाने के शौकीन हैं तो स्पीकर को आप जरूर से जाकर परचेस कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह का आप सबको स्पीकर देखने को मिलता है, ठीक है। एक बड़ा वाला स्पीकर आप सबको यहाँ पे देखने को मिलता है और यहाँ पे डिजिटल आप सबको डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिससे कि आपका साउंड जो बेस है, वो गाना कौन सा चल रहा है, वो सब इसमें फीचर आप सबको दिखाने को मिलता है, देखने को मिल जाता है। और साथ साथ ऐसे छोटे छोटे स्पीकर, जैसे कि मैं वीडियो को लास्ट में भी दिखाऊंगा कि आप सबको कैसे कैसे देखने को मिलता है, ठीक है, ओवरव्यू भी करूंगा। तो इस तरह का आप सबको स्पीकर देखने को मिल जाता है, पाँच ठो, दो ठो, एक ठो, पाँच ठो, ठीक है, छोटा वाला स्पीकर। और साथ साथ यहाँ पे बड़ा वाला स्पीकर देखने को मिल जाता है, यहाँ पे ब्लू लाइट भी जलती है जो कि काफी इंटरेस्टिंग और अच्छा लगता है। और अगर आप भी एक यूट्यूबर है तो आप इसको बैकग्राउंड सेटअप में भी यूज कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। और यहाँ पे आप सबको देख सकते हैं 5.1 सिस्टम आप सबको देखने को मिलता है, एक्स बास इसमें देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे आप सबको देखने को मिलता है सारे जो स्पीकर्स हैं वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे वुड स्पीकर आप सबको देखने को मिलता है, ठीक है, वुड का इसमें को यूज किया गया थोड़ा बहुत, तो ये मुझे काफी प्रीमियम वाली बात लगती है गाइस, काफी कमाल का आप सबको देखने को मिल जाता है। और साथ साथ बात करते हैं तो इसमें आप सबको FM रेडियो का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5.1 स्पीकर सिस्टम विद 8 इंच सॉफ्टवेयर, मतलब कि ये 5.1 इंच का स्पीकर आप सबको देखने को मिल जाता है और साथ साथ 8 इंच की 5.1 स्पीकर देखने को मिल जाता है, ये वाला छोटा वाला, और साथ साथ 8 इंच की ये एक स्पीकर देखने को यहाँ पे मिल जाता है। साथ साथ LED डिस्प्ले जैसे कि मैंने अभी बताया, और साथ साथ USB सिस्टम के साथ SD FM BT ब्लूटूथ यहाँ पे आप फंक्शन और रीड MP3 यहाँ पे आप सबको ये सारे इंक्लूडेड फीचर आप सबको देखने को इसमें मिल जाते हैं। साथ साथ मल्टीफंक्शन वायरलेस रिमोट कंट्रोल सिस्टम, यहाँ पे रिमोट आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का आप सबको DRN की तरफ से रिमोट देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे बात करते हैं पैनल कंट्रोल एंड डिजिटल डिस्प्ले फीचर्स भी आप सबको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो मुझे काफी तगड़ा वाला ये मतलब कि स्पीकर लगा, जैसे कि आपको मैं वीडियो में लास्ट में दिखाऊंगा, ठीक है। और बात करते हैं बॉक्स की साइड पैनल की, तो कुछ इसी तरह का यही इंस्पिरेशन दिया गया, यहाँ पे स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे पैकेज कॉन्टेंट आप सबको लिखा गया और यहाँ पे अटेंशन के बारे में कुछ दिया गया है। और ये बात करते हैं इसका मॉडल का, तो यहाँ पे DR का 7831 ये मॉडल आप सबको यहाँ पे देखने को मिल जाता है गाइज। और बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, तो गाइज मुझे ये प्राइसिंग पड़ा 10,000 रुपीज, ठीक है। अगर आप ये प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सब शॉप वाले अपने प्रॉफिट के हिसाब से अपना मार्जिन रखते हैं, तो उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। अगर आपसे कोई ज्यादा मांगता है तो आपको देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं इसका बॉक्स में आप सबको क्या क्या देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए फटाफट से अनबॉक्सिंग की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे इसे फटाफट से खोलते हैं, आप सबको कैसा इसमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप बात करते हैं, यहाँ पे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह के आप सबको पांच स्पीकर देखने को मिल जाते हैं, कुछ इस तरह का आप सबको DRN का ब्रांडिंग यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे कुछ स्पीकर, यहाँ पे इस तरह का इस आप सबको यहाँ पे तार देखने को मिल जाता है जो कि आप पीछे से कनेक्ट कर सकते हैं अपने वो बड़े वाले स्पीकर पे, ठीक है। तो फटाक से इसे हटाते हैं और देखते हैं नीचे की तरफ हम लोग को वो स्पीकर जो है बड़ा वाला कैसा देखने को मिलता है। तो देख सकते हैं इसे मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। और देखते हैं ये स्पीकर जो है आप सबको कुछ इस तरह, ये काफी भारी है, देख सकते हैं यहाँ पे मैं जमीन पे बैठ गया हूँ, ठीक है। और उसके बाद आप सबको यहाँ पे दिखाता हूँ कि मैं कैसा इसमें ऑडियो क्वालिटी आप सबको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक सॉन्ग प्ले करूंगा, ठीक है भाई, भोजपुरी नहीं करूंगा ना हिंदी करूंगा, ठीक है, करना है, ठीक है, लेकिन कॉपीराइट नहीं आना चाहिए। तो ठीक है, देखता हूँ यहाँ पे, सुनिए इसका बेस आप सबको कैसा देखने को मिलता है और ऑडियो क्वालिटी आप सबको कैसा देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं प्ले कर रहा हूँ, एक दूसरा भी प्ले कर दी, is my own suit and I'm getting stronger step by step, the clock is ticking but there's no time for me, I've been
कि आप सबको यहाँ पे साउंड क्वालिटी देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो साउंड क्वालिटी आप सबको सुना के मैं कैसा देखने को मिलता है, मुझे तो मैं यहाँ पे जैसे कि एक्सपीरियंस ले रहा हूँ आपको, मतलब फोन के माइक्रोफोन से ही आप सबको आवाज आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक्सपीरियंस ले रहा हूँ जो मुझे काफी तगड़ा और जो अंदर से एक्सपेक्टेशन जितनी थी ना कि मेरे मतलब कितना साउंड क्वालिटी होगा तो अच्छा रहेगा, उससे कुछ ज्यादा ही ऊपर लेवल की मुझे इसकी साउंड क्वालिटी देखने को मिली है, ठीक है। तो आप चाहे तो इसे जाके अपने लोकल शॉप से आप पता कर सकते हैं, काफी अच्छा ब्रांड का देखने को मिलता है। और साथ साथ मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है भाई का, मतलब कि वहाँ पे साम मनु करके एक डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, ठीक है, उसे आप जाके वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा और भाई से आप क्वेरीज कर सकते हैं। वो भाई मतलब कि 6 महीने से यही कंपनी का सेम मतलब कि होम थिएटर यूज कर रहा है, तो उससे भी आके एक बार जाके एक्सपीरियंस पूछ सकते हैं, ठीक है। मतलब कि मैं जितना बता रहा हूँ वो मेरे को बोला कि हाँ काफी अच्छा एक्सपीरियंस उसका रहा, उसका ये स्पीकर में कोई मतलब कि प्रॉब्लम नहीं आया। तो आप जाके उससे भी एक बार फॉलो करके उससे भी जाके मतलब कि एक बार कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो आप सबके लिए, इतनी मेहनत हो रही है, तो भाई प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट, आप सबको जो भी अच्छा लगा होगा या फिर जो भी बुरा लगा होगा वीडियो में कमेंट कीजिएगा, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। कैसी लगी वीडियो मेरे को भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो कुछ इस तरह का आपको स्पीकर देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ठो बड़ा सा हम लोग को स्पीकर देखने को मिलता है, DRN यहाँ पे ब्रांडिंग उसका दिया गया। और साथ साथ आप सबको यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन दिखाने के लिए या फिर वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं पैनल दिया गया। और साथ साथ ये स्लाइडर आप सबको देखने को मिलता है यहाँ पे, जिससे आप अपना वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हैं। और साथ साथ यहाँ पे कुछ बटन दिए हैं जिससे आप अपना म्यूजिक को आगे पीछे कर सकते हैं। ये पूरा फुल होम थिएटर है, आपको बजट में चाहिए तो आप इसे जाके परचेज कर सकते हैं। मैं एक बार हो सके तो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको बताता हूँ यहाँ पे छोटे छोटे साइज के स्पीकर कितने देखने को मिलते हैं, आप देख सकते हैं मैंने वहाँ पे दो उधर रखा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक आपको देखने को मिलता है और यहाँ पे नीचे आप सबको यहाँ पे दो स्पीकर देखने को मिलते हैं। तो इसकी साउंड क्वालिटी मैं खुद से बताना चाहता हूँ कि काफ़ी बवाल साउंड क्वालिटी देखने को मिलती है। अगर आप एक रूम में इसको फिट करके अगर आप रूम बंद करके मतलब इसे यूज़ करते हो तो आप सबको काफ़ी तगड़ा सा साउंड देखने को मिला है। जैसे कि आप सबको नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे आप सबको कुछ यहाँ पे होल देखने को मिलता है, यहाँ से भी स्पीकर वैन आप सबको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं सोनी कार्ड का यहाँ पे HDMI कार्ड का भी यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलता है। और साथ साथ UDIS का भी यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलता है। तो ये एक होम थिएटर के लिए काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। और बात करते हैं ये जो छोटे छोटे मतलब कि स्पीकर रखे हैं, तो इनके भी साउंड मुझे और बेस जो है वो साउंड है मुझे काफ़ी तगड़ा लगा। तो गाइस अगर आप चाहते हैं इसे बाई करना तो आप जाएँ तो इसे बाई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्राइस में आप सबको देखने को मिलता है। और आप जब भी बाई करें एक बार चेकआउट कर ले। और मैं आप सबको फुल यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, कुछ इस तरह के इतने बड़े बड़े यहाँ पे स्पीकर्स आप सबको देखने को मिलते हैं। आप जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस टाइप के यहाँ पे स्पीकर देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे ये स्पीकर इस टाइप का देखने को मिलता है। और एक बार में आप सब चाहें तो इसे पांचों को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पीछे से मैं दिखाना चाहूँगा, कुछ इस तरह का इसका सिस्टम दिया गया है, यहाँ पे वायर पूरे लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप चाहें तो ऐसे करके इसे सारे को कनेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे चारों को यहाँ से आप सब इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस स्पीकर से के स्पीकर के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ एक बार कमेंट कीजिएगा, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करके वहाँ पे मेरे से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो। जो भी आप सबको यहाँ पे प्रॉब्लम्स आप सबको लगती है कि इसी ये स्पीकर में क्या क्या प्रॉब्लम है या फिर ये अच्छा है या फिर नहीं, तो आप चाहें तो एक बार जरूर से जाकर मेरे इंस्टाग्राम पे एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरह का स्पीकर आप सबको देखने मिलता है। अभी अभी मैं इसे लेके आया हूँ और अनबॉक्स कर रहा हूँ, ठीक है। अनबॉक्सिंग वीडियो तो नहीं दे पाऊँगा और यहाँ पे डायरेक्ट मैं ओवरव्यू दिखाना चाहता हूँ। मैंने सोचा कि चलो भाई एक वीडियो डालते हैं, आप सबको अच्छा लगे तो अगर आप भी कोई मेरे ऑडियंस में से बाई करना चाहता होगा तो इसे जाके बाई कर सकता है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। और साथ साथ मेरे दोस्त ने भी एक यही स्पीकर परचेस किया है, तो उसका भी इंस्टाग्राम का ID मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसे भी जाके एक बार जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा और उस भाई को भी फॉलो कर लीजिएगा। आप चाहें तो उसे भी मतलब कि उससे भी इसके बारे में पूछ सकते हैं, जो भी आप सबको जानकारी चाहिए। वो मेरे से छः महीने पहले से इस स्पीकर को यूज़ कर रहा है और मैं अभी फ़िलहाल हाल ही में आज इसे परचेस किया हूँ। इसका मैं उतना तो नहीं बता पाऊँगा रिव्यू, पर मैंने उससे जहाँ तक पूछा था वो काफ़ी अच्छा उसका मतलब कि रिव्यू रहा है। वो बोला कि भाई हाँ बहुत ही अच्छा काम करता है और साउंड बेस जो है वो काफ़ी किलर ताबड़तोड़ ख़तरनाक सी आती है। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर उसको मैसेज कर सकते हैं, उससे भी एक बार पूछ सकते हैं, मेरा नाम लीजिएगा, वो पहचान जाएगा आप लोग को, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो फटाक से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए।